नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि एचआरडी की पहली कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और इस रिपोर्ट में यूजीसी को असफल संस्थान करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठन में बदलाव करना बेकार होगा, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। कमेटी ने इसके जगह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्राधिकरण गठित करने की सिफारिश की है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जब तक ये गठित नहीं हो जाता है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्राधिकरण, तब तक एचआरडी मिनिस्ट्री अपने तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इसमें कई बदलाव कर सकती है। यानी कि यूजीसी अब खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे अब उच्च शिक्षा प्राधिकरण गठित किया जाएगा। जो पहली रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन जो है उसे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसे असफल बताया गया है। हमारे संवाददाता अनु जैन रोहतगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनु, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो ये खबर आई है ये ऑफ द रिकॉर्ड खबर है। एक्चुअली मिनिस्ट्री में अभी जो रिपोर्ट है, जो मिनिस्ट्री के सोर्स से हमें पता चला, अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, लेकिन हाँ ये कंफर्म्ड है कि जो पैनल है ये गठित हो गया था। थोड़े समय पहले ही स्मृति रानी ने ये पैनल गठित किया था और हरी गौतम, जिनको काफी एक्सपीरियंस है यूजीसी का, जो एक्स चेयरपर्सन रह चुके हैं यूजीसी, उनकी अध्यक्षता में ये पैनल है। उसने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई है, उसमें साफ कहा गया है कि यूजीसी जिस तरह की रिकमेंडेशन दे रहा है, जिस तरह की उसकी वर्किंग है, वो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है, उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। जो गैप बना हुआ है कंटिन्यूटी में, एक जो गैप है यूजीसी और ऑल तमाम जो यूनिवर्सिटी है देश भर में, यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो बहुत ज्यादा है। यूजीसी कभी कोशिश नहीं करता फीडबैक लेने की यूनिवर्सिटी से, और यहाँ तक की जो गैप है, जो स्टूडेंट्स के साथ गैप है कि स्टूडेंट्स से जो फीडबैक लिया जाए और उसमें सुधार किया जाए, उसमें भी यूजीसी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेलियर है। तो तमाम बातों का इसमें जिक्र किया गया और सजेस्ट किया गया कि यूजीसी को अगर स्क्रैप कर दिया जाए, हटा दिया जाए इस बॉडी को, एक नई बॉडी बनाई जाए विद पावर्स के साथ, और इस चीज के साथ की जो फीडबैक है, जो तमाम तरह की जो अपडेट आ रही है एजुकेशन में, उसका तमाम चीजों को यूजीसी जो है वो नोटिस करे, उसके अकॉर्डिंगली जो सजेशन वो टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करता है, सजेशन जारी करता है, उसको ध्यान में रखकर करे। यानी कि यूजीसी में किसी तरह का बदलाव ना किया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए और नया जो है उच्च शिक्षण संस्थान की जो बात की जा रही है उसे स्थापित करने की बात नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी वो गठित की जाए।